दोस्तों अगर आपको भी डिफेंस में जाना है, नेवी ज्वाइन करना है, अच्छी सैलरी पानी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग नेवी एमआर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग नेवी एमआर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि नेवी एमआर क्या है, नेवी एमआर में कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, सैलरी कितनी मिलेगी, इस तरीके की बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेवी एमआर यानी कि नेवी ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप जल्दी से जल्दी नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों नेवी एमआर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि नेवी एमआर क्या होता है। इंडियन नेवी में सेलर यानी कि नाविक के रैंक पर 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए नेवी में जो वैकेंसी निकलती है उसको नेवी एमआर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बस 10th पास होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो दोस्तों आप नेवी एमआर के द्वारा नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी एमआर में बेसिकली तीन तरह के पोस्ट होते हैं, पहला सेफ, दूसरा स्टेवर्ड और तीसरा सैनिटरी हाइजीनिस्ट। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इन तीनों का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेफ। आप जानते होंगे सेफ का काम होता है खाना बनाना। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि जितने भी लोग वहाँ पे होंगे नेवी में जॉब करेंगे उन सभी के लिए आपको खाना बनाना होगा। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी तरह के आपको खाना बनाना होगा। उसके साथ साथ आपको राशन का भी ध्यान रखना होगा, राशन की एक तरह से अकाउंटिंग करनी होगी कि राशन में क्या है क्या नहीं, इस तरीके से आपको पूरा मैनेजमेंट करना होगा। दूसरा होता है स्टेवर्ड। स्टेवर्ड का काम होता है आपको लोगों को खाना खिलाना होता है, यानी कि खाना परोसना होता है, किसको क्या चाहिए, इस तरीके से आपको वहाँ पे पूरा देखरेख करनी होती है। इसके अलावा स्टेवर्ड का एक और काम होता है मेन्यू तैयार करना। जी हाँ, कि खाने में क्या बनेगा ये सब कुछ देखरेख स्टेवर्ड का ही काम होता है। उसके अलावा दोस्तों सैनिटरी हाइजीनिस्ट जो कि थर्ड पोस्ट होते हैं, इनका बेसिकली काम होता है साफ सफाई का ख्याल रखना। तो ये इनके बेसिकली जो वर्क होते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, चाहे हम बात कर ले सेफ की, चाहे हम बात कर ले स्टेवर्ड की, चाहे हम बात कर ले सैनिटरी हाइजीनिस्ट की, इन सभी को शस्त्रों और अस्त्रों यानी कि जो भी वहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी वहाँ पे हथियार होते हैं उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पे आप उसको यूज कर सकें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेवी एमआर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन तो आपको तो पता ही है कि आपका बस 10th पास होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 17 से 20 साल के बीच होनी चाहिए। अगर हम लोग हाइट की बात करें तो दोस्तों आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक आपको 20 उठक बैठक करना होगा और उसके साथ साथ आपके चेस्ट में जो एक्सपेंशन है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो गाइस, जो नेवी एमआर का एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर पे टेस्ट होता है इसका। ये आप एग्जाम हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। इस एग्जाम के 2 सेक्शन होते हैं, पहला साइंस एंड मैथ्स और दूसरा जनरल साइंस। कहने का मतलब कि आपने 10th तक जो भी साइंस मैथ्स पढ़ा है बेसिक सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि 10th इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ा है 8th 9th 10th की ही चीज़ें इसमें बेसिकली पूछी जाएंगी। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछते हैं और इसके लिए आपको दोस्तों 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय मिलता है। सबसे पहले आपका टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन होते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होता है जो कि मैंने आपको बताया है, उसके अलावा दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जिसका भी नाम मेरिट में आता है उनका दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। अब बारी आती है सैलरी की, कि नेवी एमआर में सिलेक्शन होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाथ में जो सैलरी मिलेगी वो 32 से 36 हज़ार रुपये के करीब होगी। अभी के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको बहुत तरह के अलाउंस भी मिलते हैं, यानी कि भत्ते मिलते हैं, जैसे कि घर का किराया आपको मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, आपको कहीं आने जाने के लिए यातायात का भत्ता मिलता है। तो इस तरीके से आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नेवी एमआर के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको गूगल पे जाकर सिंपली सर्च करना है howtobecomeinindia.in, आपको वहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा, आप वहाँ पे नेवी एमआर डालिए, आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। उसमें सब कुछ पूरे डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आप एग्जाम की तैयारी वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए।
और उसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानना है या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।